आम घर की कहानी। एक आम घर को आम क्या बनाता है? एक माँ, एक बाप, 11 बच्चे। 11 बच्चे? अरे ये तो अब्दुल के घर की स्क्रिप्ट है भाई। हाँ, तो एक आम घर को एक माँ, एक बाप, 2 बच्चे आम बनाते हैं। लेकिन अगर आम में कीड़ा पड़ जाए तो आम सड़ जाता है, और वही कीड़ा घर में कैमरे के रूप में आता है। और अगर अगर भाई साहब वो कैमरा बड़े बेटे के हाथ में लग जाए ना, तो घर नहीं सड़ता, सड़ता है छोटे भाई का बचपन। लेकिन आम की गांड तो तब फटती है जब वो कीड़ा वो कैमरा बड़े बेटे से हटके किसी और फैमिली मेंबर के हाथ में आ जाए। नहीं समझे? तो ये वीडियो आपके लिए। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि मैं एक बहुत अच्छा ब्लॉगर हूँ, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो शांत हो जा, टीवी देख लेने दे मेरे को। अरे पापा व्लॉग बना रहा था यार, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा। हे गाइस, सो आज के व्लॉग में मेरे पास ज्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, जैसे कि हर व्लॉग में नहीं रहता दिखाने को, क्योंकि मेरा कोई छोटा भाई तो है नहीं कि मैं उसको दिखा के अपने थंबनेल में क्लिक बेट कर सकूं, तो ऐसा कुछ है नहीं सी। हे गाइस, देखो मेरे पापा टीवी देख रहे हैं। पापा क्या कर रहे हो? सामने इधर। क्या हो गया बता? क्या पूछा था तूने अभी? क्या कर रहा हो? उससे पहले क्या बोला था? उससे पहले? अच्छा, उससे पहले तुम अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहा था कि आप टीवी देख रहे हो। तो पापा वो ऐसे वो पूछना बताना पड़ता है ना सब्सक्राइबर्स को। क्या पूछना बताना पड़ता है? फूड ब्लॉगर हो क्या कि चीज पढ़ते हुए देखते हुए भी कह रहे हो अरे अंकल ये क्या डाल रहे हो? अरे सुअर की टट्टी डालना है, खाओगे क्या? पापा इतना क्या गुस्सा करना यार। बेटा ये गुस्सा जायज है, पढ़ाई लिखाई कर ले, इन सब में कुछ नहीं रखा है। कल को जब तेरी शादी होगी तो घर में बहू आएगी, व्लॉग नहीं और छोटे छोटे बच्चे पैदा होंगे, यूट्यूब शॉर्ट नहीं, उनको क्या खिलाएगा? अरे पापा फ्यूचर की प्लानिंग है मेरी, व्लॉग बना बना के खूब फेमस हो जाऊंगा और उसी से ना बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। बेटा तेरा तो नाम भी गौरव है, तनेजा वाला नहीं जोन वाला, और सपने देख रहा सौरभ जोशी बनने के। अगर तेरे चूतड़ों पे डंडे मारूंगा ना चौराहे पे ले जाके, तब भी 50 लोग तो देख ही लेंगे। लेकिन तेरे यूट्यूब पे व्यूज कितने आते हैं? केवल 5। रिश्तेदारी में नाक कटा के रखी तूने। नहीं पापा, रिश्तेदार भी देखते हैं मेरी वीडियोस। कौन? फूफा जी, आपके जीजा जी, और वो तो हर वीडियोस में कमेंट भी करते हैं। अच्छा, क्या कमेंट करते हैं? ऐसे तो अच्छे कमेंट्स करते हैं, बट पता नहीं क्यों एक वीडियो में उन्होंने साला कुत्ता लिखा था। कौन सी वीडियो में? जिसमें आप चाय पी रहे थे। अब से मेरे को किसी वीडियो में दिखाना नहीं। पापा रिमोट दो ना, वो 8:30 बज गए, सौरव जोशी का व्लॉग आया होगा। पीछे कर पीछे कर। क्या हुआ? पीछे कर पीछे कर पीछे कर। ये सब क्या है YouTube पे? दारू में डैड, बाप के साथ दारू पीता, हराम, बेशरम लड़का। अरे पापा वो क्या पापा? बच्चा समझ रखा क्या मेरे को? बेटा मैंने एक जगह देखा था, वो पहले स्टेप सिस्टर को एक क्लिप दिखाते हैं, फिर कहते हैं आओ ट्राई करते। तू भी यही करने के सोच रहा है ना? पहले दारू डैड वीडियो दिखाएंगे, फिर कहेंगे कि आओ पापा साथ में दारू पीते। लेकिन बेटा ये नहीं होने दूंगा मैं, और अगर होगा भी तो दारू के पैसे तू देगा। क्या क्या बोल गए हो? पता है आपको बोलने से पहले सोचा आपने क्या बोल लो? यार मैं तो सौरभ जोशी की वीडियो लगाने जा रहा था, अब वो फीड मांगी तो मेरी गलती है क्या?
दारू विद डैड, 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 दारू विद डैड। हरामजादे, तेरी हंसी बता रही है मेरे को कि तेरे को ये दारू विद डैड वाला सीन रिक्रिएट करना है मेरे साथ, है? दारू विद डैड नहीं पापा। हाँ तो क्या, सुट्टा विद डैड बनाओगे क्या? वो भी नहीं। पूरे नशा मुक्ति केंद्र हो क्या यार, नशे से बाहर निकलो और ये बताओ कि मैं क्या हूं। गाली मत देना। चूतिया बोल सकता हूं। अरे यार मैं करता क्या हूं? कुछ नहीं करता है तू, नल्लो की तरह बस पड़ा रहता है। कितनी बार तेरे को कहा है कि मेरे गल्ली की दुकान पर चलाकर थोड़ा काम काज सीख। अरे पापा मतलब मैं यूट्यूबर हूं ना, व्लॉगर। हाँ, और हम दोनों मिलकर बनाएंगे इतिहास। पापा अब हम लोग मिलकर बनाएंगे व्लॉग विद पापा। हम मत बोलिए, अपने साथ मत छोड़िए, अलग है। पापा एक बार ट्राई तो करके देखो। क्या करूं है, जब अपने गल्ले की दुकान पर जाऊंगा तो क्या ये बोलूंगा, हे गाइस आज रमेश ने मेरे उधार फिर से नहीं दिए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसके साथ क्या किया जाए। ओ एक सेकेंड, एक ग्राहक आया है। जी भाई साहब क्या चाहिए? अच्छा जहर की शीशी, ये लीजिए। क्या आप स्टूडेंट हैं? आपके लिए तो फ्री में है। ये बोलो। अरे पापा थोड़ा बड़ा सोचो, जब वायरल होके पैसे आएंगे ना तो हम इस गल्ले की दुकान छोड़कर मॉल खुलवाएंगे। बेटा जो तेरे दिमाग में खाली सा बड़ा सा हॉल है ना, उसमें मॉल जैसी बातें अच्छी नहीं लगती। पापा वैसे मॉल में मम्मी की फ्रेंड सविता आंटी भी आएंगी। उप्स सॉरी, आपकी तो सविता भाभी। वो भी आएंगी और हर हफ्ते करेंगी भी। सही में? पापा मैं शॉपिंग की बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज है जो वो रोज करेंगी। जल्दी था, जल्दी था। देखेंगी। देखने लायक चीज तो नहीं है लेकिन रोज देखेंगी मेरा। पापा व्लॉग व्लॉग देखेंगी। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी। हाँ तो बनाया जाए व्लॉग। अरे सविता के लिए तो क्यों करूंगा, मैं अपने लड़के के लिए करूंगा। तू इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए मान गया हूं मैं। करेंगे हम, लेकिन करेंगे कैसे? वो मुझ पर छोड़ दो। व्लॉगर बनने के कुछ रूल्स होते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज हम पहले सीखेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। रूल नंबर वन, घर में कभी भी किसी को सैड नहीं दिखाना है, हमेशा हैप्पी साइड दिखानी है, और किसी भी तरीके की हिंसा नहीं दिखानी ब्लॉग में। मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद तेरी वीडियो नहीं बनानी है। Exactly. रूल नंबर टू, किसी भी तरीके का नशा नहीं दिखाना है ब्लॉग में। ओए ओए ओए, मतलब 9:30 के बाद वीडियो नहीं बनानी है। अरे वाह, समझदार तो हो पापा। कभी घमंड नहीं किया। और हम जानेंगे कि हमें क्या क्या करना है। ओए बताएगा भी कि करना क्या है? करना क्या है? ये लो कैच करो। पापा आपको बस एक ही काम करना है जो हर ब्लॉगर करता है, लोगों की प्राइवेट लाइफ की को पब्लिक। इंट्रो से स्टार्ट करो पापा। हे वीडियो, वेलकम टू माय गाइस। गलत हो गया, फिर से करते हैं। हे गाइस, आई दर्दोला हिटलर सिंह, आई हूँ दर्दोला हिटलर सिंह। आधार कार्ड पे भी सेम नेम, नेम सेम। पापा नाम की माला बनाना बंद करो और अपने बारे में बताओ कुछ। अपने बारे में,
मैं एक आदमी हूँ, मेरी एक औरत है और ये औलाद। अरे यार क्या कर रहे हो पापा? अरे व्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, लेकिन तू करने कहाँ दे रहा? ऐसे थोड़ा होता व्लॉग, ओरिजिनल दिखना चाहिए, एक कनेक्शन फील होना चाहिए। आपको वो तो कंट्री ब्लॉगर के कल्लू भैया से सीखा है। हाँ, और ये सीखा कि फोर्स करने से ऐसा कुछ नहीं होता, और वैसे भी सभी को फोर्स नहीं पसंद है यार। मतलब किसी को नहीं पसंद ना फोर्स एक्टिंग, ओरिजिनल दिखना चाहिए एक्टिंग। क्या करेंगे? वीडियो का नाम अगर व्लॉग विद पापा है तो पापा के स्टाइल में भी तो व्लॉग होना चाहिए। हे गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और यहाँ तक वीडियो देखिए तो आई गेस पसंद ही आई होगी तुम लोग को। तो तुम लोग को पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और एपिसोड टू के लिए कोई भी टारगेट नहीं है कि इतने लाइक करने, इतने कॉमेंट करने हैं। जैसे ही बन जाएगी हम अपलोड कर देंगे। बट अगर सच में पसंद आई हो, ये एपिसोड पसंद आया हो, तो भाई इसको शेयर कर देना, अपना प्यार ऐसे ही दिखा सकते हो। भाई हम शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं, हम सीरीज बना रही है, सीरीज ही है और एक और सीरीज लाइनअप है, तो हम ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहेंगे। बस आपको एक चीज़ करनी है, वो है अपना प्यार दिखा देना है। और प्यार आप एक ही तरीके से दिखा सकते हो, वो है लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।